तुलसीदास जी जब रामचरित मानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम भाई सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग बानी, अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान का वास है और हमें हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करना चाहिए। चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और उसने कहा, अरे महात्मा जी यहाँ से मत जाइएगा, यहाँ आगे एक बैल गुस्से में सबको मारता हुआ घूम रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा कि एक छोटा सा बालक मुझे चरा रहा है, मुझे पता है कि सब में श्री राम का वास है, मैं उस बैल के आगे शांति से हाथ जोड़कर चला जाऊंगा। तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तो उस पागल बैल ने उन्हें उठाकर पटक दिया, जिससे तुलसीदास जी को काफी चोटें आई। अब तुलसीदास जी घर जाने के बजाय वापस उसी जगह पे पहुंचे जहां पे भी रामायण लिख रहे थे और अपनी लिखी रामायण को फाड़ने लगे। तभी वहाँ पे हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि हे महात्मन आप ये क्या कर रहे हैं। तब तुलसीदास जी बोले कि ये चौपाई बिल्कुल गलत है, और ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को पूरी कहानी सुनाई। तब हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि अरे ये चौपाई तो बिल्कुल सही है, आपने बैल में तो श्री राम के दर्शन कर लिए, लेकिन क्या उस बच्चे में भी भगवान श्री राम के दर्शन किए जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपको बचाने पहले ही आ गए थे, लेकिन आप ही नहीं उन्हें पहचान पाए, आपने ही उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। तब तुलसीदास जी को सारी बात समझ में आई और उन्होंने रोते हुए हनुमान जी को गले से लगा लिया। वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही और डिवोशन फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए।